नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मम्मास किचन में। सावन का महीना चल रहा है और बहुत सारे त्योहार होते हैं सावन में, राखी हुई, तीजें, नागपंचमी। तो इन सब पे आज हम आपको तीजों पे पारंपरिक व्यंजन क्या बनते हैं वो बताऊंगी। हमारे यहाँ हमेशा से तीजों का त्योहार बहुत ही खुशी से मनाया जाता है, पर इस बार ड्यू टू कोविड आपको घर में ही मौज मस्ती करके ये त्योहार मनाना है और घर में ही चीजें बनानी भी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे पारंपरिक तरीके से मंगौड़ी, मूंग की दाल की मंगौड़ी कैसे बनती है। आई होप आप सबको पसंद आएंगी। इट्स वेरी इजी टू कुक एंड इन अ सिंपल वे आई बी टेलिंग यू, सो लेट्स मूव टू मम्मास किचन। जी हाँ, आज हम बनाएंगे तीजों पे मूंग दाल की मंगौड़ी। इसके लिए हमें चाहिए एक बोल मूंग दाल, उसको रात भर भिगो देंगे, चार आलू, दो हरी मिर्च, सौंफ, रेड चिली पाउडर और सौंफ का पाउडर। इसको हम खूब अच्छे से व्हिप करेंगे, खूब मथना है। इसमें हमने जिंजर डाला ग्रेट करके, दाल को खूब मथ लेंगे जिससे कि बबल्स ना रहें और अच्छी फूली हुई बने। अब हमने ग्रेट कर लिया आलू और उनको धो लिया और फिर अब हम इसको मिक्स कर देंगे किसमें, पिसी हुई दाल में अच्छे से। मेरे पास इस समय हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली है, पर आप हरी मिर्च और धनिया ज़रूर डालें, उससे इसका स्वाद दुगना तिगना बढ़ जाता है। इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। चलनी में आलू ग्रेट करके रखना ज़रूरी है जिससे कि सब पानी उसका निकल जाए, नहीं तो दाल में डालेंगे तो और वो पनीला हो जाता है। ये देखिए, खूब अच्छे से उसको बैटर को हम मिक्स कर लिया आलू के साथ। बहुत पतली दाल नहीं है, जैसे हम पकौड़े बनाते हैं उस तरीके का रखा। ये देखिए मसाले हैं, लाल मिर्च, सौंफ, गरम मसाला, जीरा, नमक और हींग जरूर डालिएगा। ये भी हम सब इसमें एक साथ डाल देंगे और फिर मिक्स करेंगे सारे मसाले। हाथ से चलाते रहेंगे, स्पून से या हाथ से, और खूब अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत थिक नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, एकदम गट्ठर भी नहीं बन रहा है, अच्छे से स्मूथ है। इससे जितना हम व्हिप करके डालेंगे हाथ से मथने, हर बार जब डालेंगे तलेंगे तब उसको मथ के ही डालेंगे, तो उससे उसमें बबल्स नहीं रहते और खूब सॉफ्ट बनते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। देखिए मैंने स्पून से ही छोटे छोटे मंगौड़ी इसमें डाल दिए हैं। तेल एज़ यूजल सरसों का, उसमें हमने ये तल ली। तीन हर बार देखिए मैं मथ के ही डालती हूँ। अच्छे से खूब चला लिया और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेकेंगे और थोड़ी थोड़ी करके हिस्सों में सेक के बनाएंगे। और गैस भी हम मीडियम रखेंगे क्योंकि तेज रखेंगे तो ऊपर से सिक जाएंगी पर अंदर से कच्ची रहेंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्लो गैस पर ही इनको सेकें। चाय के साथ बहुत स्वाद लगती हैं। ये देखिए एकदम ब्राउन हो गई हैं, ये देखिए कितनी बढ़िया गोल्डन ब्राउन सिक गई हैं एकदम। अब हम इनको धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। एक साइड की नहीं सीखी हैं, वो सीख रही हैं। तीजों पे सब लड़कियां सावन के महीने में तीजों में कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और कुछ लोग व्रत नहीं रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए हरे कलर की चूड़ियां पहनी जाती हैं। खाने पीने का त्यौहार है, आज तीजे हैं, आज आप ये बनाइए और घर में सबको खिलाइए। कितनी स्वादिष्ट बनी है। यस डियर फ्रेंड्स, please like, share and subscribe my channel. Thank you. And
डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कभी ना भूलें, मुझे इंतजार रहता है। थैंक यू।